स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक को देखेंगे जो क्लास 7 से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत हम लोग आज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन को कंप्लीटली दो भागों में डिवाइड किए थे, उसमें से एक था हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा था न्यूट्रिशन का जो क्लासिफिकेशन था वो था एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा था मेरा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें से हम एक को स्वपोषण और दूसरे को परपोषण कहते हैं। स्वपोषण के अंतर्गत हमने बहुत सारे प्लांट्स फैक्टर्स को देखे थे जो किस तरह से फोटोसिंथेसिस और फूड मेकिंग की क्रिया की जाती है। आज हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे जिसमें प्लांट के अलावे अन्य जीव जो हैं कैसे अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। तो चलिए टू द पॉइंट हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, आइदर फ्रॉम प्लांट्स, या तो पौधों के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा या फिर दोनों के द्वारा। सच अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज रेफर्ड एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब रही बात वे कौन से जीव हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भोजन प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो जीव इस मोड में न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं वे जीव हेटरोट्रॉप्स या स्वपोषी कहलाते हैं। समटाइम दे आर आल्सो रेफर्ड एज कंज्यूमर्स और उपभोक्ता। तो अब हम देखेंगे दूसरे पॉइंट हेटरोट्रॉप्स, जिसे हम हिंदी में स्वपोषी कहते हैं और समटाइम ये कंज्यूमर्स भी कहलाता है, जिसका मतलब उपभोक्ता होता है। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच एग्जिबिट such mode of nutrition are referred as heterotrophs or consumers ऐसे जीव जो स्वपोषण के द्वारा अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते परपोषण के द्वारा अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज हेटरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स। वे जीव जो खुद के भोजन बनाने में कैपेबल नहीं होते हैं
और अपने न्यूट्रिशन यानी पोषण को प्राप्त करने के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स। अब रही बात ये स्वपोषी जीव किस तरह के होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, तो अब हम इसके डिफरेंट काइंड्स को देखेंगे। हेटेरोट्रॉप्स आर मेनली फोर टाइप्स। स्वपोषी जीव प्रायः कितने तरीके के होते हैं? चार तरीके के होते हैं। चार तरह के जीव होते हैं जो दूसरे प्लांट्स या फिर एनिमल से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। उसमें मेरा पहला है सैप्रोफाइट्स, जिसे हम हिंदी में मृतोपजीवी कहते हैं, मृतोपजीवी। मेरा दूसरा जो है वो है पारासाइट्स, जिसे हम परजीवी कहते हैं। तीसरा है इंसेक्टिवोर्स, कीट खाने वाले जीव, इंसेक्टिवोर्स कहलाते हैं। और चौथा नंबर पर है हमारा सिम्बायोसिस, जिसे हम सहभोजी कहते हैं। ये चार काइंड्स है, जिसमें से हम पहला को सैप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी कहते हैं, दूसरे नंबर पर हमारा पैरासाइट्स है जिसे हम परजीवी कहते हैं, तीसरे नंबर पर इंसेक्टिवोर्स हैं जिसे हम कीट खाने वाले जीव कहते हैं, और चौथे नंबर पर सिम्बायोसिस है जिसे हम सहभोजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप हम सिस्टमेटिकली पहले सैप्रोफाइट्स को देखेंगे, फिर पैरासाइट्स को देखेंगे, फिर इंसेक्टिवोर्स को देखेंगे, फिर सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सैप्रोफाइट्स को देखते हैं। सैप्रोफाइट्स मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट्स The organisms which grow and live on dead and decaying matter of the surroundings are called saprophytes। ऐसे जीव जो सरे गले अपने वातावरण में मौजूद सभी प्रकार के रॉटन मेटेरियल्स यानी डेड एंड डिकेइंग, सरे गले खरपतवार, पत्ता, साग सब्जी के छिलका इत्यादि पर जो जीव पनपते हैं, सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज saprophytes। For example, monotropa bacteria and mushrooms, a kind of fungus। कवक का ये एक प्रकार होता है मशरूम, जो सड़े गले गोबर के ऊपर में हम लोग प्रायः बरसात के मौसम के बाद इस तरह के जीवों को पनपते हुए देखते हैं। ये सब के सब सैप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी, मृत पदार्थों से उत्पन्न होने वाले जीव मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है पैरासाइट्स। अब हम लोग पैरासाइट्स को देखेंगे।
पारासाइट्स, जिसे हम हिंदी में परजीवी कहते हैं। परजीवी, पर मींस दूसरा, जीव मींस जीवन प्राप्त करने वाला, ऐसे जीव जो दूसरे सोर्स से अपने जीवन को प्राप्त करते हैं पारासाइट्स कहलाते हैं। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन from other sources are called parasites। परजीवी वे जीव होते हैं जो दूसरे सोर्स से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। Such organisms are called parasites। For example, कशकुटा, कशकुटा बैक्टीरिया, फंगी इटीसी, ये सब के सब जीव पारासाइट्स होते हैं। हम लोग और भी पारासाइट्स के एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें आप प्रायः लीचेज को देखते होंगे, भैंस या गाय या मनुष्य के शरीर में भी वो लग जाता है, और वो तब उसके शरीर से हटता है जब अपना पूर्ण पोषण वो प्राप्त कर लेता है। पूर्ण पोषण से मतलब है उस जानवरों के शरीर से वो सारा रक्त क्या कर लेता है, चूस लेता है। ये सब के सब पारासिटिक एनिमल्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये पारासाइट्स दो तरह के होते हैं, और उन दो तरह के पारासाइट्स में से एक पारासाइट्स को हम सेमी पारासाइट्स या फिर पार्शियल पारासाइट्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे सेमी पारासाइट्स। सेमी पारासाइट्स या फिर इसे ही पार्शियल पार्शियल पारासाइट्स भी कहा जाता है। सेमी पारासाइट्स या पार्शियल पारासाइट्स, हिंदी में इसको हम अर्ध परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध परजीवी। दीज ऑर्गेनिजम्स हैव ग्रीन लीव्स विथ व्हिच दे प्रिपेयर their own food, but water and minerals are obtained from their host plants। अर्ध परजीवी से क्या समझते हैं? द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव ग्रीन लीव्स, जिसके पास में हरी पत्तियां होती है जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस में उसे मदद करती है। व्हिच दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसके थ्रू वो अपने भोज्य पदार्थ को प्राप्त तो करता है लेकिन सब कुछ उसे प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि दो आपका कंपोनेंट्स है, एक वाटर और दूसरा मिनरल्स। इसके लिए इस पैरासिटिक एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को दूसरे जीवों पर या होस्ट प्लांट पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिशल टोज एक ऐसा पारासिटिक प्लांट्स है जो कि महुआ के पेड़ पर, आम के पेड़ पर लतरता है और उसी से अपना पोषण क्या करता है, प्राप्त करता है। Such organisms are called semi-parasites। इस तरह के जीव क्या कहलाते हैं? तो अर्ध परजीवी कहलाते हैं। अब हम दूसरे टाइप को जो देखेंगे वो है टोटल पारासाइट्स। टोटल पारासाइट्स
इसे हिंदी में पूर्ण परजीवी कहा जाता है, पूर्ण परजीवी। दीज ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स और प्लांट्स आर कॉल्ड टोटल पैरासाइट्स। टोटल पैरासाइट्स पूर्ण परजीवी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन को दूसरे जीवों के, यहां दूसरे जीवों से मतलब है आइदर दे आर प्लांट्स और दे आर एनिमल, उनसे प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्कुटा जिसे हम हिंदी में अमरबेल कहते हैं। प्रायः आप आम के बगीचा में जाएंगे तो वहां आम के पेड़ पर एक दूसरे तरह के लत्तीदार पेड़ को देखेंगे जिसे हम कस्कुट्टा या अमरबेल कहते हैं। जिस दिन आप इस अमरबेल की जड़ काट देंगे और वो उस महुआ या आम के पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करना बंद कर देता है, फिर उस दिन जो है सो उस पैरासिटिक एनिमल्स या प्लांट्स का जो है सो नाश हो जाता है, वो जीवित नहीं रह पाता है। इसके साथ साथ और भी है, जैसे कि बैक्टीरिया मॉस्क्विटोज लीचेज जिसे हम जोंक कहते हैं, ये सब के सब टोटल पैरासिटिक एनिमल्स कहलाते हैं जो कि अन्य जंतुओं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स से अपने भोज्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। अब हम उसे देखेंगे, कीट खाने वाले पौधे। बहुत संसार में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज इंसेक्टिवोर्स। अब हम उसे डिटेल करेंगे। इंसेक्टिवोर्स द ऑर्गेनिजम्स व्हिच ग्रो ऑन मार्सी एरियाज एंड obtain their food from either the soil or from various insects are termed as इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। बहुत सारे संसार में ऐसे पेड़ पौधे हैं जो दूसरे जीवों को ग्रहण करके और अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल पीचर प्लांट संड्यू ब्लैडर वर्ड ईटीसी। ये कुछ एक ऐसे जीव हैं जो कि पौधे रूप में मौजूद हैं और दूसरे जीवों छोटे छोटे जीवों को खा करके तब अपने नॉरिशमेंट को क्या करते हैं, पोषण को प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है वो है सिम्बायोसिस। सबसे बेहतरीन टॉपिक ये है, इसको थोड़ा अच्छा से समझना है। सिम्बायोसिस क्या है? ये एक तरह का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जो दो जीवों के बीच में बनता है।
चलिए अब इसको डिटेल करते हैं। सिम्बायोसिस, जिसे हिंदी में हम सहभोजी सहभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजी। सह मीन्स साथ साथ, भोजी मीन्स भोजन या न्यूट्रिशन प्राप्त करना। ऐसे दो जीव जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हों और हर एक दूसरे से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त करता हो, सच ऑर्गेनिजम्स आर मेंटेन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो चलिए अब हम इसको डिटेल करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स which live and grow with each other and are mutually benefited are called symbiosis. सिम्बायोसिस, ऐसे दो जीव जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हों, वहां वो वृद्धि भी करे और साथ ही साथ जिंदा भी रहे और परस्पर एक दूसरे को सहायता भी पहुंचाए, सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, सम काइंड ऑफ लेजुमिनस प्लांट्स, लेजुमिनस प्लांट, यहां लेजुमिनस प्लांट से मतलब है फलीदार पौधे, फलीदार पौधे। इस फलीदार पौधे के अंतर्गत हम मटर के पौधा को देख सकते हैं, ग्राम जिसको हम चना कहते हैं उसके पौधा को देख सकते हैं, फिर आपका मस्टर्ड प्लांट जो है वो सबका सब लेजुमिनस प्लांट्स होता है। कैसे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को फॉलो करता है? डियर स्टूडेंट, जब हम लेजुमिनस प्लांट्स लेंगे, कोई एक प्लांट मान लेते हैं यही हमारा लेजुम प्लांट्स है, इसके रूट नेडल्स में बहुत सारे गांठ होते हैं और इन गांठों में रिजोबियम बैक्टीरिया मौजूद होता है। ये रिजोबियम बैक्टीरिया सॉइल से वाटर और मिनरल खींच करके इस प्लांट को देते हैं और तब ये प्लांट फूड मेकिंग प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये फूड मेकिंग प्रोसेस करता है और बने बनाए फूड को ये कहाँ पहुंचाता है? रूट पार्ट में पहुंचाता है। तो एक दूसरे से वो म्यूचुअली बेनिफिटेड हो रहा है, क्योंकि रूट पार्ट का काम है सॉइल से वाटर और मिनरल को प्राप्त करना, वाटर और मिनरल को प्राप्त करना। और जब रूट के द्वारा इन पौधों को वाटर और मिनरल प्राप्त हुआ तो ये फूड मेकिंग यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं और जब भोजन बनने का काम संपन्न हो जाता है तो फिर ये ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है जड़ों को। इसका मतलब ये है जो जड़ इससे लाभान्वित है और सूट पार्ट जो है सो जड़ से लाभान्वित होता है। सच रिलेशनशिप इज रेफर्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और ये प्राय दो जीवों के बीच में बनता है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर समाप्त हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर को लेकर के प्रेजेंट होंगे। इसका बहुत सारा क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारा आपको PDF में डाल के लिंक पर डाला गया है, आप लिंक पर जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं और फिर उस स्टडी कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।